सभी भाइयों को आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। जो आप सभी के शौर गुरु जी आ चुके हैं आपको जिताने, आपको वॉर्न कराने का इस बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो आज मैच खेला जाने वाला है। और गाइज ये लगभग 1:45 बजे के आसपास खेला जाएगा और इस वाले मैच में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है सब आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। और गाइज इस वाले मैच को स्टार्ट करूँ इससे पहले गाइज मैंने पर्थ सॉकर्स वर्सेज मेलबोर्न रेनेगेड्स के बीच जो टीम दी है उसमें कुछ अपडेट कर रहा हूँ, तो गाइज़ वो अपडेट आप प्लीज़ कर लो क्योंकि मेरे को कुछ न्यूज़ मिली है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो न्यूज़ क्या मिलने वाली है। तो गाइज़ आप सभी भाइयों को बता दूँ, गाइज़ सबसे पहले मैंने एक चेंज यहाँ से कराया है, मैंने सैम हार्पर को अपनी टीम से रिप्लेस कर दिया है। तो जिस भी भाई ने इसको अपनी टीम में ले रखा है बिल्कुल इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में ट्राई मत करना क्योंकि मेरे को जितने न्यूज़ मिली है वो इस वाले मैच में रिस्की होने वाले हैं, डाउटेबल होने वाले हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ से टिम लूडमैन के साथ जाने वाला हूँ जो आपको ओपनिंग पर बैटिंग करने के पूरे पूरे चांसेज है। तो गाइज मैं बिल्कुल यहाँ से टिम लूडमैन के साथ जाने वाला हूँ, बाकी दो मेरी टीम लगभग सेम है। और गाइज बॉलिंग सेक्शन में मैंने अपना क्रेडिट को सेव करने के लिए यहाँ से एंड्रयू टाई को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्थन कोल्टर नाइल के साथ गया हूँ। तो गाइज मैंने ये दो चेंज किए आप देख सकते हैं, गाइज यहाँ से मैंने बिल्कुल सैम हार्पर की जगह टिम लूडमैन के साथ गया हूँ और गाइज बॉलिंग सेक्शन में मैं बिल्कुल यहाँ एंड्रयू टाई को रिप्लेस करके नॉर्थन कोल्टर नाइल के साथ गया हूँ। और कैप्टन में गाइज मैं यहाँ से बिल्कुल डेविड विली के साथ जाने वाला हूँ क्योंकि गाइज ये बॉलिंग भी कराएंगे और ओपनिंग पे बैटिंग करने वाले हैं। तो गाइज जो ओपनिंग पे बैटिंग कराएंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए कैप्टन के बहुत बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। और वाइस कैप्टन में गाइज मैं बिल्कुल कैमरन वाइट के साथ जा रहा हूँ। तो गाइज ये बिल्कुल फाइनल टीम है, तो बिल्कुल जो भी भाई मेरी जो पहले वाली टीम के साथ गया है वो बिल्कुल अपडेट कर देना और वो इस वाली टीम के साथ चले जाना, ये बहुत बढ़िया टीम है और इसमें आप अच्छे खासे विनिंग कर सकते हो। तो गाइज कैप्टन में मैं डेविड विले के साथ गया हूँ, यहाँ से नॉर्थन कोल्टर नाइल को ले रहा हूँ और गाइज मैं बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ से टिम लोडमैन के साथ जाने वाला हूँ। सो गाइज़ ये अपडेट है, बिल्कुल आप लोग ये अपडेट कर लेना और इस वाले मैच में आओ। इससे पहले गाइज में जो कल का मैच हुआ था उसकी मैं आपको विनिंग दिखा देता हूँ, एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस ब्रिस्बेन हिट का जो मैच हुआ था और इसमें क्या शानदार वाली विनिंग आई है गाइज, वन साइडेड विनिंग आई है आप बिल्कुल देख सकते हैं। गाइज आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ 294.5 का स्कोर करके गई है, 387 के लेग थे, इसमें मेरी टीम रैंक 1 पर है, बिल्कुल 1000 का अमाउंट वॉन करके गई है 150 वाले लेग में 294.5। और आप बिल्कुल देख सकते हैं 125 में भी मेरी टीम रैंक 1 करके गई और गाइज वन साइडेड कॉन्टेस्ट था आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ से। और गाइज जो मेरी पॉइंट टीम है वो 294.5 स्कोर करके गई और जो गाइज जो सेकंड नंबर पे आया है वो 243.25, तो मतलब अपनी टीम आसपास भी नहीं थी और बिल्कुल वन साइडेड वॉन करके गई है। और गाइज आप बिल्कुल देख सकते हैं इसमें मैंने जो आपको टीम यूट्यूब पे दी थी लगभग वो सेम प्लेइंग 11 के साथ मैं गया हूँ और यहाँ पे मैंने जेम्स पैटिनसन को अपनी टीम में लिया था और ये 29 पॉइंट स्कोर करके गया और मेरा कैप्टन एलेक्स कैरी। तो गाइज बहुत ही शानदार वाली विनिंग आई है, तो जो भी भाई इस टीम के साथ विनिंग गया और विन करके आया तो उन सभी भाइयों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स। अब गाइज इस वाले मैच में आ रहा हूँ मैं, बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच क्या मैच होने वाला है और क्या चेंजेस और क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। गाइज चेंजेस की तरफ से बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से एक चेंजेस इस वाले मैच में हो सकता है, उनका जो बॉलर है बहुत ही शानदार जो अबू हैदर रॉनी जो बांग्लादेश का बॉलर है वो इस वाले मैच में रिप्लेस हो सकता है क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ टच चल रहा है और लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उसकी जगह बांग्लादेश अपना एक्सपीरियंस बॉलर रुबेल हुसैन को इस वाले मैच में मौका दे सकती है। तो गाइज एक चेंज इस वाले मैच में हो सकता है, रुबेल हुसैन को इस वाले मैच में मौका दिया जा सकता है और अबू हैदर सीधे सीधे इस वाले मैच में बाहर हो सकते हैं। और अगर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से तो बात करें तो वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, तो वो लगभग सेम प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली है जो वो लास्ट मैच में गई थी। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कोई चेंजेस नहीं है, केवल एक चेंज बांग्लादेश की तरफ से हो सकता है और वो रुबेल हुसैन को इस वाले मैच में मौका दे सकती है। तो गाइज अब मैं आपको सीधा ड्रीम 11 की टीम दिखा देता हूँ, तो गाइज अपन सीधा ड्रीम 11 की टीम देख लेते हैं। गाइज विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो आपके पास यहाँ से दो ऑप्शन बन रहे हैं, मुश्फिकुर रहीम और निकोलस पूरन। गाइज यहाँ से मैं निकोलस पूरन के साथ जाऊँगा क्योंकि स्मॉल लीग के लिए बेस्ट चॉइस होने वाले हैं क्योंकि गाइज ये नंबर 3 पर बैटिंग करने आ रहे हैं, काफ़ी ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, पहले वेस्ट इंडीज़ की तरफ से काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते थे बट इस वाले लास्ट मैच में इनको प्रमोट कर दिया गया था और ये नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे और लगभग 17 रन का स्कोर भी करके गए थे 27 का, तो ये बहुत अच्छे टच में लग रहा है तो इसलिए मैं निकोलस पूरन के साथ जा रहा हूँ। और मुशफिकुर रहीम के बारे में बता दूँ गाइज़ अगर ODI मैच हो या टेस्ट मैच हो तो उसमें तो ये बांग्लादेश के सबसे शानदार और सबसे सीनियर बैट्समैन है बट T20 के बिल्कुल भी स्पेशलिस्ट नहीं है और काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, लगभग इसका बैटिंग का ऑर्डर 5th नंबर पर बैटिंग करने आएंगे और इतनी अच्छी टच में भी नहीं है, तो इसलिए गाइज मैं इसको प्रीफर नहीं कर रहा, अगर कोई भाई लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो गाइज मैं यहाँ से 5 बैट्समैन के साथ जाने वाला हूँ, तमीम इकबाल, एविन लियो, शाही ओप, लितन दास और गाइज यहाँ से मैं सौम्य सरकार के साथ जाऊँगा।
गैज तमीम इकबाल और एविलियर्स अपनी अपनी टीम से बिल्कुल ओपनिंग पे बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। तमीम इकबाल आपको बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करेंगे। लास्ट मैच में इतने अच्छे टच में नहीं थे, बट प्लेयर बहुत ही शानदार है, तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एविलियर्स के गैज T20 में बिल्कुल वापसी हो चुकी है और ये वेस्ट इंडीज में कम बैक कर रहे हैं, और इनकी फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं थी, बट लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे, लगभग 17 रन का स्कोर करके गया था, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा शाही होप तो गाइस वेस्ट इंडीज़ का सितारा है, वेस्ट इंडीज़ का सबसे बढ़िया प्लेयर उभर के आया है, और इंडिया सीरीज़ से लेकर अभी तक जितने भी मैच चल रहे हैं उनमें कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और ये आपको ओपनिंग पे बैटिंग करते हुए मिल जाएंगे, और बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकते हैं आपके कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए। इसके अलावा लिट्टन दास आपको बिल्कुल बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग पे बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, और सौम्य सरकार आपको लगभग थर्ड नंबर पे बैटिंग करते हुए आएंगे बांग्लादेश की तरफ से, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। चॉइस की बात करें तो गाइस यहाँ से शुरमन हेटमायर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं, जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, जब से इंडिया की सीरीज खत्म हुई है उसके बाद ये बिल्कुल टच में नहीं है, और गाइस ये लगभग 6 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, तो बॉफ काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो इतनी अच्छी टच में भी नहीं है। इसके अलावा गाइस यहाँ से महमूदुल्ला आपके लिए बांग्लादेश की तरफ से बहुत अच्छे चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि गाइस ये बॉलिंग भी कराते हैं, इन्होंने लास्ट मैच में एक विकेट निकाला था, और बट गाइस बैटिंग में काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, लगभग ये 6 to 7 down बैटिंग करने आएंगे, तो काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, इसलिए गाइस मैं इसको प्रीफर नहीं कर रहा, अगर कोई भाई लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। डेरेन ब्रावो गाइस आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और ये काफ़ी अच्छे प्लेयर है, तो इसको भी अपनी टीम में ले सकते हैं। मोहम्मद मिथुन खेलेंगे नहीं, एस रशफर्ड खेलेंगे, तो गाइस मैं यहाँ से 5 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं तमीम इकबाल, एविन लियो, शाही और ब्लैटिन लिट्टन दास और सौम्य सरकार। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो गाइस ऑलराउंडर में आपके पास यहाँ से 2 ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ, शाकिब उल हसन और कार्लोस बैटवर। गाइस शाकिब उल हसन तो बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं, बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लास्ट मैच में भी लगभग 61 रन का स्कोर किया था, विकेट जरूर इन्होंने नहीं निकाला था, बट गाइस बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, और बिंडी डॉलर में बैटिंग करने आते हैं बांग्लादेश की तरफ से, और चाहे T20 हो या ODI हो या T10 हो, इसमें शाकिब अल हसन तो बहुत ही शानदार प्लेयर उभर के निकल कर आए हैं, और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। इसके अलावा कार्लोस बैटवेट ने भी लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एक विकेट निकाला था, और लगभग 4 ओवर की इकोनॉमी से इन्होंने रन लुटाए थे, तो काफ़ी अच्छे काफ़ी कम रन दिए थे, तो गाइस ये बहुत बढ़िया प्लेयर आपके लिए साबित हो सकते हैं। इसके अलावा चॉइस की बात करें तो यहाँ से मोहम्मद सफीदुन के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं, जो बांग्लादेश की तरफ से आपको बिल्कुल खेलते हुए मिल जाएंगे। रोमन पोवाल के साथ जा सकते हैं, रोमन पोवाल गाइस लगभग 5th नंबर पर बैटिंग करने आएंगे और पूरे 4 ओवर भी कराएंगे, तो गाइस ये आपके लिए बढ़िया पिक हो सकता है, अगर कोई भाई लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। इसके अलावा यहाँ से गाइस आप एफ एलन के साथ भी जा सकते हैं और ए हॉक के साथ भी जा सकते हैं, तो गाइस ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास सारे ऑलराउंडर सेक्शन खुले हैं, मतलब सारे प्लेयर खेलेंगे, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, बट गाइज मैं यहाँ से 2 पिक के साथ जा रहा हूँ, शाकिब और कार्लोस। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो गाइज बॉलिंग में आप सभी भाइयों को एक न्यूज़ दे दूँ, अब्बू हैदर जो बांग्लादेश का बहुत ही बढ़िया बॉलर है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बहुत ही अच्छी टच में नहीं है, तो गाइज इस वाले मैच में रिस्की होने वाला है, इस वाले मैच में इनकी जगह रुबेन हुसैन को मौका दिया जा सकता है, जो बांग्लादेश का सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, तो गाइज इस वाले मैच में रुबेन हुसैन ये वाला मैच खेल सकता है, तो जो भी भाई इसको लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है, ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर सकता है। अब गाइज यहाँ से मैं 3 बॉलर के साथ जा रहा हूँ, मुस्तफ़ी जो रहमान, शर्मन कोटरल, और गाइज यहाँ से 1 बॉलर के साथ जा रहा हूँ कीमो पॉल। गाइज कीमो पॉल ने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, और इनको बैटिंग में भी ऊपर प्रमोट कर दिया गया था, और बैटिंग में भी अच्छा खासा स्कोर करके गए थे, लगभग बैटिंग में भी इन्होंने 20+ स्कोर किया था, और विकेट तो इन्होंने 2+ निकाले ही थे, तो गाइज ये आपके लिए बहुत ही शानदार प्लेयर साबित होंगे। इसके अलावा शिटरन कोटरल के बारे में गाइज लास्ट मैच में इनके बारे में किसी ने भी न्यूज़ नहीं दी थी कि वो ये वाला मैच खेलेंगे, और ये अनएक्सपेक्टेड ये वाला मैच खेले और कैसरिक विलियम्स को रिप्लेस करके इनको टीम में जगह दी गई, और इन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई, लगभग 3+ विकेट निकाल के गए, और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, तो इसको तो मैं अपनी टीम में बिल्कुल लूँगा। इसके अलावा मुस्तफ़िजुर रहमान बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी सीनियर बॉलर है, तो इनको अपनी टीम में बिल्कुल शामिल करना चाहूँगा। अब चॉइस की बात करें तो कैसरिक विलियम्स ये वाला मैच खेलेंगे नहीं, रुबेल हुसैन के साथ आप जा सकते हैं, बट इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में आप ट्राई मत करना। मेहदी हसन मिराज के बारे में बता दूं गाइस, ये बांग्लादेश का बहुत ही बढ़िया बॉलर है, स्पिन बॉलिंग कराता है, बट इन्होंने लास्ट मैच में 15 की इकोनॉमी से रन लुटाए थे, तो बिल्कुल अच्छी टच में नहीं है। इसके अलावा ऑस्टन थॉमस के साथ आप जा सकते हैं, अब्बू हैदर रिस्की होने वाले हैं, एम निस्माल रिस्की होने वाले हैं, और खायले पैरी ये वाला मैच खेलेंगे नहीं, तो गाइस मैं बिल्कुल 3 बॉलर के साथ जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस आती है तो गाइस कैप्टन की यहाँ से मेरे पास चॉइस शाकिब उल हसन ही बनेंगे, क्योंकि पूरे तो 4 ओवर कराएंगे और बैटिंग में जब भी मौका मिलता है काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, लास्ट मैच में भी इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो और सारे अपोनेंट की टीम में आपको शाकिब ही एज ए कैप्टन मिलेंगे। और वाइस कैप्टन में गाइस मैं यहाँ से बिल्कुल शाही होप के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि जिस टच में चल रहे हैं, जिस फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही शानदार टच में चल रहे हैं, लास्ट मैच में भी लगभग 57 रन का स्कोर किया था और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, तो इसको मैं वाइस कैप्टन के रूप में अपनी टीम में जरूर लूँगा। चॉइस की बात करें तो गाइस यहाँ से कैप्टन के आपके पास और कोई अदर चॉइस है भी नहीं, तो गाइस मैं बिल्कुल यहाँ से शाकिब और वाइस कैप्टन शाही होप के साथ जाऊँगा।
अब मैं गाइस आपको फाइनल टीम प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से निकोलस पुरन के साथ जा रहा हूँ, शाही होप के साथ जा रहा हूँ, तमीम इकबाल, सोमे सरकार, एविलियोज, लिट्टन दास, शाकिब उल हसन, कार्लोस बेथफर, एस कोटल, कीमो पॉल और मुस्तफिजुर रहमान। सो गाइस बिल्कुल आप देख सकते हैं शौर गुरु जी की विनिंग टीम है, इस टीम के साथ जाए वॉन करके आए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर कोई मेरे को अपडेट मिलती है अगर 5 से 10 मिनट पहले, तो वह मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो जो भी भाई अभी तक मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है बिल्कुल जुड़ जाए। उसका टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप बिल्कुल टेलीग्राम में पब्लिकली सर्च करें शौर गुरु जी, वहाँ से जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब गाइज मैं आपको सीधा फैंटेन की टीम दिखा देता हूँ, तो गाइज अपन सीधा फैंटेन की टीम देख लेते हैं। गाइज आप बिल्कुल देख सकते हैं फैंटेन ऐप है, और गाइज इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो भी भाई इससे अभी तक नहीं जुड़ा है बिल्कुल जुड़ सकता है। बहुत ही अच्छी ऐप है और इससे आप इजीली 100 रुपये का बोनस भी कमा सकते हो। वो कैसे अर्न करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी गाइज मैं आपको सीधा पहले बांग्लादेश वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है उसकी टीम दिखा देता हूँ। सो गाइज आप बिल्कुल देख सकते हैं बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो मैच खेला जाएगा उसकी मैं आपको टीम दिखा रहा हूँ। यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन में गाइज मैं बिल्कुल निकोलस पुरन के साथ जा रहा हूँ, जो बहुत ही बढ़िया पिक होने वाले। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो गाइज यहाँ से मैं कार्लोस बेथफेल्ट के साथ जाऊँगा, शाकिब उल हसन के साथ जाऊँगा। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो गाइज मैं बैटिंग में आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ से लिट्टन दास के साथ जाने वाला हूँ, शाही होप के साथ जाने वाला हूँ, और गाइज यहाँ से मैं बिल्कुल आप देख सकते हैं तमीम इकबाल के साथ जाने वाला हूँ, एविन लुइस के साथ जाने वाला हूँ। तो गाइज मैं बिल्कुल 4 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो गाइज मैं बॉलिंग में बिल्कुल यहाँ से कीमो पॉल के साथ जाने वाला हूँ, एस कोटल के साथ जाने वाला हूँ और मुस्तफिजुर रहमान के साथ जाने वाला हूँ। और गाइज मेरे को एक बॉलर और लेना है, तो मैं बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से मैं एक बॉलर बिल्कुल ले रहा हूँ अपनी टीम में। गाइज इसके लिए मैं ऑलराउंडर सेक्शन से रोमन पोवाल को प्रीफर करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे और आपको अच्छा खासा बैटिंग और बॉलिंग में पॉइंट स्कोर करा देंगे। अब गाइज मैंने आप सभी भाइयों को बताया था इसमें आप 100 रुपये का इजीली अर्न कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसमें एक रेफर कोड होता है शौर गुरु जी, वो स्मॉल लेटर में डाल देना। वो जैसे ही डालोगे आपको 50 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। उसके बाद आपको 100 रुपये का एक मिनिमम अमाउंट इसमें ऐड करना है, जैसे ही वो ऐड करोगे तो 50 रुपये आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप पूरे 100 रुपये इसमें ईजिली कर सकते हो और उसको इस मिलिंग में लगा सकते हो। तो गाइज एक तरीके से आपको बता दूं फैंटेन एक बहुत बढ़िया ऐप है, यहाँ पे एक अच्छी खासी आप विनिंग कर सकते हो, चाहे स्मॉल लीग की बात करो या हेड टू हेड की बात करो। और ये इंडिया की नंबर 2 ऐप बन चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, तो जेन्यून ऐप है। यहाँ पे पेमेंट भी आपका टाइमली हो जाता है और यहाँ पे ईजिली आप अच्छा खासा वॉन कर सकते हो। तो गाइज आप बिल्कुल इस टीम के साथ जा सकते हो। कैप्टन की बारी आती है तो गाइज कैप्टन में आपके लिए शाकिब एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। तो गाइज मैं आपको कैप्टन भी सिलेक्ट करके दे देता हूँ, क्योंकि कई भाइयों का कमेंट आता है कि भाई आज कैप्टन भी सिलेक्ट करा करो। तो कैप्टन में मैं यहाँ से शाकिब के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन में कार्लोस बेथफेल्ट के साथ जा रहा हूँ। सो गाइज ये बिल्कुल मेरी टीम है, इसके टाइम टीम के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं और अच्छे खासे विनिंग करके आए। और गाइज मैं अगर आपको लीग सिलेक्शन की बात करूँ तो गाइज आपको लीग सिलेक्शन के लिए मैं बोलूँ तो आप हेड टू हेड खेला करो या मल्टीपल विनर वाली खेला करो, जिसमें 10 मेंबर और 5 विनर हो, तो और या फिर 3 मेंबर की लीग खेला करो। तो गाइज ये लीग आपके लिए बढ़िया रहती है अच्छा खासा विनिंग करने के लिए। तो सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और भाइयों जो भी अभी तक मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है बिल्कुल इसमें पब्लिकली सर्च करके शौर गुरुजी सर्च करके वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकता है। ठीक है भाइयों, नमस्कार।